हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर यूट्यूब चैनल फार्मरक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द रेनिन इनहिबिटर्स तो रेनिन इनहिबिटर्स जो क्लास के मेडिकेशन से उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट देयर फार्माकोलॉजी वॉट आर द बेजिक यूज ऑफ दिस मेडिसिन उनके मेकेनिजम ऑफ एक्शन उसका डोज क्या होता है उसके जो कॉन्ट्राइंडेस की जो हम बात करते हैं एंड साइड इफेक्ट्स तो रेनिन इन्हीबिटर्स या फिर डायरेक्ट रेनिन इन्हीबिटर्स मेडिकेशन जो हम कहते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मा रॉक्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इंग ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मा रॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मा रॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप को डाउनलोड करिए एंड अगर आपके पास आईफोन है तो एप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द रेनिन इनहिबिटर्स तो रेनिन इनहिबिटर्स आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ रेनिन तो ऐसे क्लास ऑफ मेडिकेशन है ये कि जो रेनिन की जो एक्टिविटी है उसको करती है इनहबिट कि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो रैनिन कि जो इन्वॉल्व होता है इन ए फॉर्मेशन ऑफ एनजियोटेन्सिन वन कि जब एनजियोटेन्सिनोजन लीवर के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है और एनजियोटेन्सिनोजन में से एनजियोटेसिन वन जब फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त ये रैनिन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और एनजियोटेन्सिनोजन को एंजियोटेंसिन वन के अंदर कन्वर्ट करता है और आगे जाके जो एसी ही जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करता है और यह एंजियोटेंसिन टू रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के अंदर तो एक्टिविटी ऑफ रेनिन की रेनिन इनहिबिटर्स इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ रेनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइजिंग एंजियोटेन्सिनोजन की जो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं कि लीवर द्वारा सीक्रेट हुआ जो एंजियोटेन्सिनोजन है उसको एंजियोटेन्सिन वन के अंदर जो कन्वर्ट करता है वो प्रोसेस होती है हाइड्रोलाइजिंग की विच इन टन रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेन्सिन टू दैट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर तो यहाँ पे समझिए जो पूरा जो पाथवे है इस तरह से है कि सबसे पहले तो ये एंजियोटेंसिनोजन है वो फॉर्म होता है कि जन, कि वो फॉर्म उसका सिक्रेशन हुआ है थ्रू द लीवर अब एनजियोटेसिनो जन जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन वन के अंदर और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये रैनिन तो रैनिन क्या करता है कि जो हमारी किडनी के थ्रू रिलीज होता है तो ये रैनिन करेगा एनजियोटेन्सिनो वन को एंजियोटेंस एंजियोटेंसिन वन को फॉर्म करेगा और आगे जाके एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू के अंदर कन्वर्ट होता है और यहां पे इन्वॉल्व होता है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और एंजियोटेंसिन टू का जो फंक्शन है वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर वो करता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो अल्टीमेटली ये है कि रेनिन के कारण ही एनजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन वन के अंदर कन्वर्ट हुआ और एंजियोटेंसिन वन बना तो फिर एंजियोटेंसिन टू फॉर्म होता है तो अगर यहाँ पे हम एक चीज ये सोचे कि जब आप समझो कि रेनिन की एक्टिविटी या फिर उसको रिलीज होना ही यहाँ से बंद करवा देते हैं तो यहाँ पे ना ही रेनिन मिलेगा और रेनिन नहीं मिलेगा तो ना ही एंजियोटेंसिन वन फॉर्म होगा एंजियोटेंसिन वन नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन टू भी फॉर्म नहीं होगा और जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता था वो नहीं होगा और ऑटोमेटिकली वो होगा रिड्यूस तो ये कॉन्सेप्ट को हम उस वक्त सोच सकते हैं कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई हो तो ऐसी कंडीशन में हम रेनिन इनहिबिटर्स मेडिकेशंस देके उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लोवर करवा सकते हैं तो उसके लिए ये डायरेक्टली हम अफेक्ट करवाएंगे कि जो किडनी में से रिलीज होने वाले रेनिन के ऊपर तो ये मेडिकेशन से ऐसे क्लास के मेडिकेशन से कि जो रेनिन का जो सिक्रेशन है उसको करवा दी है इनहिबिट तो दिस इज द कॉल अ रेनिन इनहिबिटर्स तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको और समझने हैं कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेनिन रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है फ्रॉम वेयर रेनिन इज सक्रेटेड और ये पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है बहुत बार एम सी क्यूज के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर द रेनिन इज सिक्रेटेड तो यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं डायग्राम कि ये है बाउमेंस कैप्सूल कि जो हमारी किडनी होती है और किडनी के अंदर जो हम नेफ्रॉन कहते हैं कि उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट और नेफ्रॉन का जो हम डिटेल में एनाटॉमी देखें तो वहां पे अलग अलग उसके रीज़न्स होते हैं और उसी में से जो मेन सोर्स है रेनिन का दैट इज द जीजी सेल्स और जीजी सेल्स का जो फुल फॉर्म है वो है जेक्स्ट्रा ग्लोमे रुलर रूलर सेल्स और ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया है कि रैनिन इज सीक्रेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स विच इज रिलीज द रेनिन फ्रॉम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है इफेरेंट आर्टेरियल की जो ब्लड प्रोवाइड करती है एंड दैट इज अफेरेंड आर्टेरियल और यहाँ पे ग्रैन्युलर जक्स्ट्रा ग्रोमे रूलर सेल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन कलर के दिखाए हैं तो ये जो सेल्स आप देख रहे हैं वो सेल जो काम करते हैं रेनिन को सिक्रेट करने का और ये सिक्रेशन जो है वो स्टिम्यूलेट होता है बाय बीटा वन रिसेप्टर अब ये रेनिन को सीक्रेट करने के लिए कौन स्टिम्युलेट uh, करता है द दैट आर द बीटा वन रिसेप्टर के बीटा वन रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो वो जे जी सेल को फर्दर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर द सीक्रेशन ऑफ ए रेनिन और ये रेनिन सीक्रेट हो गया के जाके जाके uh, इन्वॉल्व होता है एंजियोटेंसिन वन के फॉर्मेशन के अंदर फ्रॉम एंजियोटेन्सिनो जन और ड्यू टू डिक्रीज फ्लूड डिलीवरी टू मैक्यूलर डेंसा ऑफ किडनी अब जो है कि रेनिन रिलीज कब होता है कि दो कंडीशन होती है एक कि जब स्टिम्यूलेशन होता है बाय बीटा वन रिसेप्टर तो ये फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड की जब डिक्रीज होता है फ्लूइड डिलीवरी टू मैक्यूलर डेंसा ऑफ किडनी तो यहां पे जो दिखाया है मैक्यूला डेंसा देख सकते हैं कि डेंसा सेल्स ऑफ द डिस्टल ट्यूबिल ये जो है उनके कारण भी रिलीज होता है कि डिक्रीज द फ्लूड डिलीवरी टू मैक्यूलर डेंसा तो यहां पे जब फ्लूड डिलीवरी रिड्यूस होती है तब भी रेनिन जो है वो सीक्रेट होता है फ्रॉम जे जी सेल कि यहां पे जो हम जो सेल्स देख रहे हैं ये सेल्स में से कि जेक्स्ट्रा ग्लोमे रूलर सेल जो है वो उसको सीक्रेट करते हैं तो उसका सीक्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बीटा वन रिसेप्टर एज वेल एज ये सेकंड वाले कंडीशन इसीलिए यहां पे आप एक सोचिए कि जब बीटा ब्लॉकर्स की जो मेडिकेशन है कि जो सब लोल वाले मेडिकेशन होते एग्जाम्पल इज प्रोप्रानोलॉल कि जो बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन है also used to treat high blood pressure caused by the रा system कि जो हम रास सिस्टम की जो बात करते हैं उसके कारण जो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम प्रोपरानोलॉल कि जो बीटा ब्लॉकर्स है उसको भी यूज़ करते हैं बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे कि ये बीटा वन रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देंगे और बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो रेनिन जो है वो रिलीज नहीं होगा और जब रेनिन नहीं मिलेगा तो आगे जाके जो एंजियोटेंसिन वन और उसमें से फिर एंजियोटेंसिन टू जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म नहीं होंगे और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है तो यहां पे है ये पॉइंट कि दिस इज द वेरी वेरी आई एम पी फॉर एमसीक्यू एज वेल एज वाइवा एज वेल एज थियरी यहां पर पूछते हैं कि कौन से सेल रिलीज करते हैं रेनिन को फिर ये सिस्टम ऑलरेडी हमने सीख लिया कि क्या होता है कि जो लीवर है हमारा तो लीवर का मेन काम होता है सीक्रेट करना एंजियोटेंसिन सॉरी एनजियोटेसिन ओजन को अब जो हमारी किडनी से वो रिलीज करती है रैनिन को कि जो हमने जाना कि जो जीजी सेल सेल्स है वो एज वेल एज बीटा वन रिसेप्टर के एक्टिवेशन के कारण बीटा वन रिसेप्टर के यहाँ पे एक्टिवेशन के कारण किडनी में से रेनिन सीक्रेट होता है और ये रेनिन आगे जाके एनजियोटेन्सिनोजन के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करता है एंजियोटेंसिन वन ये एंजियोटेंसिन वन में से एंजियोटेंसिन टू फॉर्म होता है और उसके लिए इन्वॉल्व होता है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की जिसको कहते हैं हम ए और उसके कारण क्या होती है आगे कि जो प्रो, प्रो, प्रोसेस की ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है वासो कंस्ट्रिक्शन होता है फिर ट्यूबुलर सोडियम एंड क्लोराइड रि होता है पोटेशियम एक्सक्रिएशन होता है एच टू ओ का रिटेंशन होता है फिर पिच्यूटरी ग्लैंड जो है वो ए को सिक्रेट करती है तो ये सब आगे प्रोसेस होते कि जो हम कहते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन एनजियोटेंसोस्टेर सिस्टम की ये सिस्टम को हम दूसरे वर्ड में आर डबल एस सिस्टम कहते हैं तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रास सिस्टम इन अवर बॉडी कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर कि जब आपकी बॉडी प्रॉपर हेल्दी होती है उस वक्त ये रास सिस्टम क्या काम करते हैं? तो रेनिन एंजोटेल्डोस्टेर सिस्टम की जिसको हम कहते हैं रास सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोनल मेकेनिज्म हार्मोनल मेकेनिज्म है ये काफी इंपोर्टेंट कि जो कंट्रोल करती है हमारी बॉडी का हीमोडाइनेमिक स्टेबिलिटी हीमोडाइनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि रेगुलेट करना हमारा ब्लड प्रेशर साथ में फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना एंड सोडियम एंड पोटेशियम का जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छे से बैलेंस करना तो जब ये सिस्टम प्रॉपर काम करती होती तब तक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है कि जरूरत पड़े पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और जरूरत पड़ी पर वो डिक्रीज भी होता है और दोनों के बीच में रहता है प्रॉपर इक्विलिब्रियम बट जब ये रास सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस होता है तो उसके कारण जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम ये सिस्टम को इनहिबिट करने वाले मेडिकेशंस यूज करते हैं तो द रास फंक्शंस टू एलिवेट ब्लड वॉल्यूम एंड आर्टेरियल टॉन इन प्रोलोंग मैनर इट डज दिस बाय इंक्रीजिंग द सोडियम रियप्स वाटर रियपन एंड वास्क्यूलर टॉन कि जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा उसके अकॉर्डिंग टू ये रास का जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर कि ये फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके कारण जो हमारी बॉडी की हम बात करें तो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है प्रॉपर अच्छे से हमारे फ्लूड वॉल्यूम भी प्रॉपर रहता है एंड सोडियम पोटेशियम का भी बैलेंस अच्छे से बना रहता है और जो हम कहें कि हेल्थीनेस की जो हम बात करते हैं वो अच्छी रहती है कि आपका ब्लड प्रेशर ओके हो तो आपका हार्ट भी अच्छे से काम करेगा और प्रॉपर हार्ट अच्छे से काम कर रहा है तो आपके बॉडी के दूसरे फंक्शंस भी अच्छे से होते रहेंगे बिकॉज हार्ट अच्छे से ब्लड को सभी ऑर्गन्स तक पंप करेगा तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलता रहेगा एज वेल एज ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे ही डिस्टर्बेंस होने के कारण जो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो यही से क्रिएट होते हैं कि जब हीमोडाइनेमिक स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी पर्सन की तो उसके कारण जो रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर का वो नहीं होता फ्लूड वॉल्यूम भी डिस्टर्ब होता है एज वेल एज सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी इम्बैलेंस हो जाता है तो इसको फिर से नॉर्मल करने के लिए हमें मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं रेगुलरली और उसमें से ये जो क्लास है रेनिन इनहिबिटर्स की फॉलोइंग आर द ड्रग्स दैट आर इनहिबिट द एंजाइम रेनिन एंड दे आर टेकन बाय और बाय द पेशेंट जैसे कि एलिस किरेन है कि जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर क्लास के मेडिसिन कही जाती है उसका जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं रेसिलेस 300 हंड्रेड की जो नोवा टिस्ट का प्रोडक्ट है फिर रेमिक्ररेन भी उसके एक ऑप्शन है एंड एनाल किरेन तो एलिस किरेन किरेन एंड एनाल किरेन ये तीनों जो है वो पॉपुलर कह सकते हैं हम पॉपुलर डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स और ये जो पॉइंट है वो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी हम कहेंगे बिकॉज कई बार एग्जाम्स के अंदर रेनिन इनहिबिटर्स में से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं चाहे वो एमसीक्यू हो वाइवा बेस्ड एग्जामिनेशन हो या फिर थियरी एग्जामिनेशंस सो so, दिस ड्रग विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ रास कूजिंग द फॉल इन ब्लड प्रेशर की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी रास को और करेगी आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज एंड थर्स यूज टू ट्रीट हाइपर टेंशन की ब्लड प्रेशर ये फॉल करवाती है ये मेडिकेशन जिसके कारण वो यूज की जाती है टू तो ट्रीट द हाइपर द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर दिस ड्रग कैन बी यूज ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हाइपर टेंशन तो इसी के कारण कि ये मेडिकेशन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करवाती है एंड उसी के कारण ये जो रीजन है उनको यूज करने का फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हाइपर टेंशन तो इसके जो यूजल स्ट्रेंथ होती है थ्री हंड्रेड एम जी स्ट्रेंथ की जो टेबलेट होती है एलिस किरेन की, की उसके अलग अलग, अलग और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखी है कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रंस एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस रहेंगे आर एक्स ऑनलीज आर द आर एक्स ऑनली मेडिकेशन की प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रॉपर एडवाइस के साथ ही उसको यूज करना होता है तो एलिस किरियन इज ए रेनिबिटर दैट वॉज अप्रूवल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंसन इन द ईयर एंड सेवन तो एलिस जो है वह दो हजार सात के अंदर अप्रूवल की गई थी बाय एफ डी ए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंसन एंड इट इज ओरली एक्टिव नॉन पेप्टाइड ड्रग तो ये भी आपके लिए है कि एम सी यू का पिन पॉइंट विद द हाफ लाइफ अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स एंड इट डोजेस वंस पर डे वंस अ डे ही दिया जाता है कि समझिए कि उसका थ्री हंड्रेड एम जी का डोज है तो आर एक्स ओनली कि पर डे एक ही टेबलेट वो लेनी होती है और उसकी जो इफेक्ट है वो ट्वेंटी फोर आवर्स तक पेशेंट को रहती है बिकॉज कि जो हम हाफ लाइफ कहते हैं उसकी दैट इज ट्वेंटी फोर आवर्स डोस इज वंस पर डे वंस पर डे ही देनी होती है ओडी टेबलेट ही देते हैं हम तो यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एलिस किरेन मेकेजम समझे तो रेनिन इनिबिटर प्रोड्यूस वासो डायलेशन की एलिस किरेन देखे या फिर उसके आ, साथ एसोसिएटेड दूसरे रेनिन इनिबिटर तो उनका जो मेन काम है वासोडाइलेसन करना बाई इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ रैनिन कि रैनिन की एक्टिविटी को ही इनहिबिट कर देते हैं जिसके कारण आगे जाके जो एनजियोटेंसिन टू जो फॉर्म होता है वो नहीं होता एंड उसी के कारण वासो डायलिसन होता है बिकॉज एनजियोटेंसिन टू हमें पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्शन के लिए तो एनजियोटेसिन टूका फॉर्मेसन फॉर्मेशन ही हम स्टॉप करवा देंगे बाय स्टॉपिंग बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ रेनिन तो इसके कारण जो वासो कंस्ट्रिक्शन होता था उसकी जगह वासो डायलेशन होगा डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर ब्लॉक द एंजाइम रेनिन तो रेनिन क्या है कि एंजाइम है फ्रॉम ट्रिगरिंग ए प्रोसेस दैट हेल्प्स टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एज ए रिजल्ट ब्लड वेसल्स रिलैक्स एंड वाइडन मेकिंग इट इजियर फॉर ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स विच लोअर द ब्लड प्रेशर तो ये इस तरह से काम करते कि इनकी जो इफेक्ट है वो वासोडाइलेटरी इफेक्ट हम कह सकते हैं या फिर वासो डाइलेसन करते हैं ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है उनको वाइडन करती है और जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो करती है लोअर तो रेनिन रैनिनिबिटर का ये है मेन मेकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो फॉर्मेशन अटकाती है एंजियोटेंसिन टू का और एनजियोटेंसिन टू जब फॉर्म नहीं होगा कि बिकॉज हमें पता है कि एंजियोटेंसिन टू के जो फंक्शन है कि वासो कंस्ट्रक्शन करता है ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है और उसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो जब हम एनजियोटेंसिन का फॉर्मेशन ही कंप्लीटली इनहिबिट करवा देंगे बाय इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ रेनिन तो उसी के कारण ब्लड वेसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती थी वो डायलेट हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी नैरो होती थी तो वो वाइडन हो जाएगी और जो ब्लड प्रेशर हाई होता था उसकी जगह ब्लड प्रेशर हो जाएगा लोअर तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस रेनिन इनहिबिटर्स तो उसका एक ही यूज है कि दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर इसके अलावा हम किसी और ट्रीटमेंट में उसको यूज़ नहीं करते स्पेशली ये मेडिकेशन सी हाइपर के ट्रीटमेंट के, के लिए अप्रूवल की गई थी यूएसएफ डी द्वारा और हाइपर टेंसन की जो मेडिकल टर्म है फॉर द हाई ब्लड प्रेशर तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कि 120, 80 जो हम कंसीडर करते हैं एलिवेटेड 120, 129 या फिर लेस देन एटी फिर स्टेज वन हाइपर 130 टू 139 थर्टी सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में 80 टू एटी नाइन स्टेज टू ग्रेटर देन 140 फॉर्टी ग्रेटर देन नाइन्टी एंड सीक मेडिकल अटेंशन ग्रेटर देन 180 एंड 120 तो ऐसे कंडीशन की जो हम स्टेज वन कहे टू कहे या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर ये यूज की जाती है अब समझने जरूरी है उसके कॉन्ट्राइंडेशंस इंडिकेशन इसलिए कि उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जैसे कि टेराटोजोनिक है इन सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इट हैज बीन एसोसिएटेड विथ फैटल फीटल माल फॉर्मेशन एंड न्यो डेथ उसी के कारण गलती से भी प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिकेशंस को नहीं देनी चाहिए फिर ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है फिर प्रीवियस एन इडिमा एसोसिएटेड विथ रियानिन इनहिबिटर थेरापी कि किसी को एन इडिमा होता है कि जैसे हम देखते हैं कि ये इडिमा की जो इन्फ्लामेशन होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स करके लाइक लेग्स है नेक का पोर्शन है आइस का पोर्शन है लिप्स का पोर्शन है फेस का रीजन है तो किसी को समझो कि ऐसा हुआ था कि एनजियो इंडिमा हुआ था रेनिन इन्हीबिटर यूज करने से तो वो पेशेंट को भी आपको रेनिन इन्हीबिटर्स नहीं देने चाहिए फिर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है रेनिन इनहिबिटर्स की, ये मेडिकेशंस देने से उसको रेसिस हो जाते हैं एलर्जी हो जाती है तो उनको भी ये एवॉइड करनी चाहिए फिर समझते हैं उसके साइड इफेक्ट जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो देट आर फटिक की जो थकान होना हेडेक डिजीनेस uh, होना कि यहाँ पे जो हम डायग्राम्स के देख रहे हैं इस तरह से ये कंडीशन की जो पेशेंट को फटिक की कंडीशन है साथ साथ ये हेडेक हम देख सकते हैं डिजीनेस जैसी कंडीशन एंड डायरिया की कंडीशन एज वेल एज साथ हम देखिए कि जब हायर डोज दिए जाते हैं कि हायर डोज ऑफ 600 हंड्रेड एम जी पर डे एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डायरिया की जब आप नॉर्मल डोज में देते हैं कि जो 300 हंड्रेड हमने बात की ओडी की वंस अ डे तो दिस इज द इनफ वन बट समझो कि किसी पेशेंट को आप 300 प्लस 300 300 थ्री हंड्रेड ओडी की बजाय किसी पेशेंट को आप 300 बीडी दे देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि टोटल 600 हंड्रेड उसको डोज डिलीवर किया जाएगा और यह हायर डोज के कारण पेशेंट को डायरिया जो है वो हो सकता है फिर दूसरे जो साइड इफेक्ट्स की जो हम बात करें कि जो एनजीओडीमा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ये फेस आइज का रीजन है नोज लिप्स का रीजन देखिए आप, आपके हैंड या फिर पाम का रीजन कि वहां पे क्या होता है ये एनजीओडीमा फिर हाई ब्लड पोटेशियम लेवल ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल हाई हो सकता है पर्टिकुलरली वेन यूज विद एसी इनहेबिटर इन डायबिटिक पेशेंट लो ब्लड प्रेशर हो सकता है पर्टिकुलर इन वॉल्यूम डिपलेटेड पेशेंट तो ये खास ध्यान रखना होता है कि लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है कई बार पेशेंट्स को डायरिया अदर्जिया सिम्टम्स हेड एक डिजीनेस एंड कॉफ तो कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स देखने को मिले कि पेशेंट को इसके कारण कॉफ़ भी प्रोड्यूस होता है और ये जो कफ़ है वो हम कंसिडर करेंगे वेट कफ की कैटेगरी के अंदर तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझना कि कुछ जो स्टडी की गई रेनिन इनहिबिटर्स के बारे में कि जब वो मार्केट में अप्रूवल किए गए और उसके बाद जो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस किए जाते हैं तो उसके दौरान जो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले कि इन डिसम्बर टू कि की जो नोवाटिस हॉल्टेड ए ट्रायल ऑफ द ड्रग आफ्टर डिस्कवरिंग इंक्रीज नॉन फेटल स्ट्रोक कि जो ऐसे साइड इफेक्ट्स या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले पेशेंट्स के अंदर कि जैसे कि नॉन फेटल स्ट्रोक है किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस न हाई ब्लड प्रोटेसियम कि ब्लड के अंदर जो पोटेशियम इंक्रीज होता है एज आ साइड इफेक्ट एंड लो ब्लड प्रेशर इन पीपल विथ डायबिटीज़ एंड किडनी प्रॉब्लम कि जो लोगों को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे डाइबिटीज थे और उनको जब आप रेनन इन्हीबिटर्स देते थे तो उनके के अंदर ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता था फिर उनके ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है किडनी के कॉम्प्लिकेशंस हुए पेशेंट को तो एज अ रिजल्ट इन 2012 सम न्यू क्वाना इंडिकेशन एडेड टू द प्रोडक्ट लेबल कंसर्निंग द यूज ऑफ एलिस किरेन विथ एनजियोटेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कि जब एलेस किरेन का कॉम्बिनेशन एनजियोटेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे आ, वालसार्टन, कि वालसार्टन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाल्टुर्ना जो प्रोडक्ट डेवलप किया नोवार्टिस ने कि जिसके अंदर 150 सौ पचास किरण और साथ में 160 सिक्सटी उन्होंने वालसर टन को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया और जो उसका ब्रांड नेम दिया गया वाल्टुर्ना और ये एलिस एंड वालसर टन के जो टैबलेट थे वो कॉम्बिनेशन में थे कि रेनिन इनहिबिटर रेन, एंड एनजियोटेंसन रिसेप्टर ब्लॉकर ये दोनों मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन या फिर इसी ही इनहिबिटर्स के साथ ये जब कॉम्बिनेशन बनाया गया एलिस किरेन का या फिर किसी भी रेनिन इनहिबिटर का तो उसके कारण क्या हुआ इन पेशेंट विद डायबिटीज बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ किडनी इम्पेयरमेंट लो ब्लड प्रेशर एंड थर्ड दैट इज हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड तो अलग अलग स्टडीज से देखा गया कि जब रेनिन इनहिबिटर्स को कॉम्बिनेशन किया जाता है ए के साथ या फिर ए सी ही के साथ तो वो किडनी पर अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को ज़्यादा लोवर करते हैं एंड ब्लड के अंदर आपके जो पोटेशियम है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर देते हैं तो जब वार्निंग जो है वो सीख गई फॉर द रेनिन इनहिबिटर्स अब वार्निंग टू एवॉइड द यूज ऑफ एलिसन विथ ए आर बीस और ए सी ही इन्हीबिटर्स वॉज ऑल्सो एडेड फॉर द पेशेंट विथ मॉडरेट टू सीवियर किडनी इम्पेयरमेंट वेर जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज लेस देन सिक्सटी एम एल पर मिनट कि जिनका जी एफ आर जो है वो सिक्सटी एम एल पर मिनट से भी कम है ऐसे पेशेंट की जिनके अंदर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से किडनी इंपेयरमेंट है उनके लिए ये वार्निंग इससे की गई कि ये मेडिकेशन उनको जो है वो एवॉइड किया जाए उनको देने से फिर नोवार्टिस इज डिसाइडेड टू स्टॉप मार्केटिंग ऑफ वालना की जो कॉम्बिनेशन था एलिस किरेन एंड वालसार्टन का एलिस किरेन वॉज को डेवलप बाय द स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनीज Novartis and speed. तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है कि गलती से भी ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना चाहिए सेपरेटली या फिर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑलरेडी उसका मार्केटिंग तो नोवार्टिस ने स्टॉप किया ही है तो भी यूजरली जो प्लेन जो आती है नोवार्टिस का प्रोडक्ट वो ही यूज किया जाता है और तब भी कि जब दूसरे मेडिकेशन जो है वो इफेक्टिव ना हो वरना बीटा ब्लॉकर से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ऐसे ही इनहिबिटर से उससे ब्लड प्रेशर जो है वो यूजली कंट्रोल हो ही जाता है तो एलिस किरण के जो वार्निंग्स हम देखें कि जो रेनिन इनहिबिटर्स मेडिकेशन से कि रिस्क ऑफ किडनी इंपेयरमेंट किडनी क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेनिन को इनहिबिट करने वाले ये मेडिकेशन से रैनिन जो है वो सीक्रेट होता है किडनी में से तो जो नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला जो रेनिन है उसको आप इम्पेयर करो आ, उसके ऊपर इफेक्ट करोगे ज़्यादा मेडिकेशंस के कारण तो आगे जाके वो किडनी को जो है वो आपका खराब कर सकता है एज अ साइड इफेक्ट एज वेल एज रिस्क के तौर पे फिर हाइपोटेंशन भी कर सकता है कि भले हम यूज करते हैं हाइपर के अंदर बट इसके साइड इफेक्ट के तौर पे या फिर उसके जो रिस्क के तौर पे ब्लड प्रेशर जो है वो और ज्यादा डिक्रीज करवा सकता है बेसन का एंड हाई पोटेशियम ब्लड लेवल कि जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में हाइपर कैलेमिया सो डोंट मेक द कॉम्बिनेशन विथ एआरबीस और ए सी इसीलिए ये रेड कलर से इसलिए दिया है बिकॉज ये जो है वो वार्निंग है फॉर एलिस के रेन के डोंट मेक कॉम्बिनेशन विथ एआरबी जिसको हम कहते हैं एनजियोटे ब्लॉक जैसे कि लॉसार्टन है टन या फिर जो ऐसे ही इनबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल एनआर एप्रिल लिसिनोप्रिल रामी प्रिल पेरिडोप्रिल ट्रांडोला प्रिल फॉसिनोप्रिल या फिर मॉगजेप्रिल तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट uh, आई हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट अच्छे से आपको जो है ये याद रखने की ये जो एलिस के रेन के जो वार्निंग्स है वो बहुत ही जरूरी है कि किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये मेडिकेशंस उसको कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं कीनी चाहिए एज वेल एज डोंट मेक द कॉम्बिनेशन विथ एआरबीस एंड ए सी ही तो ये था हमारा डिटेल लेक्चर ऑन रैनिन इन इनिवेटर सो so, जरूर से वीडियो को लाइक करिए वैल्यूएबल कमेंट्स करिए शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑल्सो यूज द फार्मा रॉक्स ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मा रॉक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट